अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शेरा और आप देख रहे हैं चैनल हाईटेक और जिम। आज के वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल गया, आज के वीडियो में मैं आपको एक दूसरी मोबाइल का अनबॉक्स करूंगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको दूसरी मोबाइल का अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। जैसे कि मेरे पास अभी है मी 20 जिसका मैं अभी हाल ही में रिव्यू करने वाला हूँ, जो ना अभी कुछ दिनों में इसका रिव्यू आ जाएगा। उसके बाद जो ना मैं आपको दिखा दूँ इसका रिव्यू जो मैं करूंगा ना, वो मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ किसी यूट्यूबर ने नहीं किया होगा इसको रिव्यू, ठीक है ना। उसके बाद जो ना मैं अभी आज की वीडियो में जो ना इसका लेटेस्ट मोबाइल जो अभी लॉन्च हुआ है वो लेके आऊँगा, वो लेके आया हूँ आज की इस वीडियो में। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक बनता है इस वीडियो पे, मेरा मेरे को लाइक चाहिए, 500 लाइक चाहिए इस वीडियो पे, प्लीज़ 500 लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको अभी मोबाइल लेके आता हूँ जो है ना, ये आपको होप करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, आ रहा है नज़र, फोकस हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर अभी इसको जो ना आगे चल के मैं आपको अनबॉक्स करके सारा कुछ इसका दिखाऊंगा। यहाँ पर ये Xiaomi 10T इसका नाम है, Xiaomi 10T इसका नाम है। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट मोबाइल है जो ना अभी जो मेरे पास रिसेंटली है, इसका जो है न्यू मॉडल है ये। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको जो ना अनबॉक्स करके हैं और आपको दिखाता हूँ कि इसका फर्स्ट लुक नहीं है लेकिन ये फिर भी कैसा है क्या है इसका रिव्यू भी दूंगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको फर्स्ट में आपको तो यहाँ पर यहाँ पर 11 लिखा आ रहा होगा क्योंकि ये 11 है। उसके बाद यहाँ पर आप इसकी खासियत देखो, 108 MP की इसकी कैमरा है, अल्ट्रा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, अल्ट्रा क्लीन कैमरा, यहाँ पर अल्ट्रा क्लीन कैमरा, यहाँ पर MI का लोगो, यहाँ पर ये आपके इसकी ये भी वारंटी 3 साल की है, जो वो भी आपको यहाँ पर ये नज़र आ रही होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये 11 लिखा आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर Xiaomi का लिखा रहा है, 5G है, तो 5G ये जो 5G कनेक्टिविटी विल वेरी बेसेंड ऑन लुक। यहाँ पर आपको इसमें साइड में आप देखो जो है ना Xiaomi का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, Xiaomi 10T। यहाँ पर मेरी Mi 10T थी, यहाँ पर ये खाली टी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विथ ईजी एसेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल ऐप्स यू आर यूज मोस्ट, आप गूगल ऐप भी आप यूज़ कर सकते हो इस मोबाइल फ़ोन में। ये PTA प्रूफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं PTA का प्रूफ है। यहाँ पर ये Xiaomi का लिखा आ रहा है। उसके नीचे आप देख सकते हैं इसकी 8 GB रैम है, और उसके बाद इसकी 128 इसकी जो ना 128 जो ना इसकी रैम जो ना रैम मेमोरी है, जो आपको इंटरनल स्टोरेज इसकी इतनी है। उसको अलावा यहाँ पर आप क्लोज कर देता हूँ, आप खुद देख लें सारा कुछ। तो यहाँ पर आपने देख लिया, अगर नहीं देखा तो पॉज करके देखना। अब इसको जो है ना ओपन करते हैं। तो पहले मैं आपको ओपन करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, इसको मैंने जो है ना 1 हफ्ता मैंने इसको यूज़ किया है। तो पहले ही आपको मैं बता दूँ 1 हफ्ता मेरा ये यूज़ है। तो फर्स्ट में यहाँ पर ये हमारे पास गिर के आ गया है, इसका ऊपर यहाँ पर ये Xiaomi लिखा आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको ओपन करते हैं देखते हैं क्या है। यहाँ पर फर्स्ट में ये पिन देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा इसके जो ना कुछ कागज़ वगैरह जो डॉक्यूमेंट नहीं, इसके अलावा इसको जो ना बंद कर देते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको फर्स्ट में आपको मोबाइल फ़ोन मिल जाएगी। यहाँ पर आप इसको भी बाहर निकालते हैं, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन बाहर निकालते हैं। ये मैंने जैसे कि बोला मैंने 1 हफ्ता यूज़ किया है, तो उसकी वजह से ये ऐप पर जो ना निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में कैमरा का बता रहा है, उसके बाद ये ना 120 इसकी हेड्स हैं जो ना बहुत अच्छी सी आपको दे जो ना MI का जो भी प्रोडक्ट होता है ना, हर मरतबा जो ना उसमें तब्दीली करता है। यहाँ आईफोन वालों जो ना नहीं हो कि आईफोन जैसे है कि आईफोन देता है, तो आईफोन में अभी जो ना आईफोन आगे चल के मेरे को लगता है कि खाली दबा देगा, क्योंकि हेडफोन वगैरह निकाल दिया, चार्जर निकाल दिया, सारा कुछ निकाल दिया, अभी खाली दबा देना लगेगा। यहाँ पर ये मरतबा ये और ये इम्प्रूवमेंट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं AMOLED डिस्प्ले है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। 120 Hz का ये इसमें जो आपको देख रिफ्रेशमेंट देखने को मिल जाएगा। इसकी फ्लैगशिप इसकी आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लैगशिप अल्ट्रा है। उसके पास पावर और चार्जिंग टर्बो चार्जिंग है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर बैटरी इसकी आप देख सकते हैं 500 mAh, यहाँ पर आपको 500 mAh की बैटरी मिल जाती है। इसको इसको पन्नी को हटा देते हैं। यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बोला कि मैंने कुछ यूज़ किया है, उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर ये लगा हुआ है, पन्नी लगा हुआ है, लेकिन इसको मैं अभी नहीं हटाऊँगा, इसको मैं जो ना रहने देता हूँ। आप देख सकते हैं इसका लुक, पन्नी की वजह से इसका लुक और भी जो है ना बहुत अच्छा हो रहा है, शाइन दिखा रहा है। इसके लिए मैंने पन्नी इसको नहीं हटा रहा,
यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका फर्स्ट लुक मेरी तरफ से फर्स्ट लुक है। यहाँ पर आप इसके देख सकते हैं, यहाँ पर ये वगैरह वगैरह लिखा है, आप यहाँ पर क्लोज करके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर आपको तीन कैमरा देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर बैक पे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे को थोड़ी खांसी हो गई थी। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी जो ना ये कैमरा के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं तीन कैमरा है। उसके अलावा यहाँ पर 5G का जो देखने के लिए मिल जाता है Xiaomi का। उसके अलावा यहाँ पर इसको जो ना अभी ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद मैं आपको जो ना सारा कुछ यहाँ पर पहले बॉक्स में दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको ओपन करते हैं। बॉक्स में वैसे तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो ना फर्स्ट में इसका कवर आ जाता है, यहाँ देख सकते हैं इसका फर्स्ट में कवर आ जाता है, जो कि मैंने एक हफ्ता यूज़ किया तो वो भी थोड़ा गंदा हो चुका है। तो उसके बाद इसका जो ना कवर के बाद यहाँ पर कवर भी बहुत अच्छा है, मैंने एक हफ्ता यूज़ किया है, बहुत अच्छा चला। उसके बाद आपको चार्जर देखने के लिए मिल जाता है, चार्जर मैं नहीं दिखाऊँगा क्योंकि ये जो चार्जर है ये बहुत अच्छा चार्जर है, 8,000 रुपये का ये एक चार्जर है, या 8,000 रुपये का एक चार्जर है, ये बहुत अच्छा चार्जर है, बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर आप पॉज कर दें, उसके बाद यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा ये कौन सा अच्छा चार्जर है और मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑरेंज है, मैंने जैसे कि पहला बोला था कि ऑरेंज होने वाला चार्जर बहुत अच्छा होता है। उसके बाद यहाँ पर USB केबल आपको देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पर इसकी भी ये ऑरेंज है, आपको इसको मैं ओपन नहीं कर रहा, यहाँ से आप देख लें ये भी ऑरेंज है, यानी कि ये भी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की यहाँ हमारे को यहाँ पर ये प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो ना मोबाइल को हम लेते हैं वापस से, रिटर्न ऑन करते हैं इसको, यहाँ पर ये MI का लोगो आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं MI का लोगो, मेड बाय पावर्ड बाय एंड्रॉयड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल समय नहीं लगाएगा, आप देखना ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये अभी ओपन होने वाला है, 1 2 3 गो, ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन ओपन हो चुकी है। यहाँ पर ये आपको ऊपर से आपको कैमरा मिलेगी नोच की तरह, यहाँ पर ये जैसे कि बिंदु होती है हिंदू पे लगी, तो यहाँ पर इसके जो ना आप ये ओपन करते हैं, इसको ओपन करने पे कहने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि 1 वीक मैंने इसको यूज़ किया है, उसके बाद जो ना इसको मैंने पासवर्ड भी रख दिया है, तो इसलिए अभी मैं इसको जो ना पासवर्ड पे भी आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट में लगा हुआ है, ये फिंगरप्रिंट भी है, यहाँ पर ये जो ना वॉल्यूम अप डाउन का है, और यहाँ पर से ऊपर से ये लाउड है, ये सारे लाउड हैं इसके, ये लाउड नहीं है लेकिन ये सारे लाउड हैं, यहाँ से बिल्कुल क्लीन, यहाँ से नीचे फिर लाउड आ जाते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी मीडियम टीम है, Xiaomi की जो ना क्वालिटी है कि लाउड दूर देता है। यहाँ पर ये भी आप इसको जो ना हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर इससे आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा जो ना इन हेडफोन का USB चार्जर की तरह। यहाँ पर ये आपको सिम का देखने के लिए मिल जाएगा, सिम इंजेक्टर, यहाँ पर आपको 5G देखने के लिए मिल जाएगा, इसको भी ओपन करते हैं। यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, यहाँ पर मैं आपको दोबारा से इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत अच्छी मोबाइल फ़ोन है। आपको देख सकते हैं मैं उधर उधर कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको फ़ोटो में निकाल के दिखा रहा हूँ, मैं आपको फ़ोटो निकाल के उसके बाद ये आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये इसको मैंने एक फ़ोटो निकाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जूम आउट और जूम इन, यहाँ पर आप देख सकते हैं जूम इन की भी इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जूम इन जूम आउट की बहुत अच्छी रिजल्ट है, मेरे को भी बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पर आपको मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मोबाइल की फ्लैश अभी होने, तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो ना आपको सही से नहीं दिखा रहा होगा। तो यहाँ पर अभी जो ना इसको जो ना अभी यहाँ पर आपने जो ना इसकी कैमरा की जरूरत देखी, तो यहाँ पर इसकी अभी ब्राइटनेस आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्राइटनेस कम ये ज़्यादा, ये ब्राइटनेस में भी बहुत अच्छा मोबाइल फोन है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको कैमरा के जैसे कि मैंने बता दिया, फ्लैश ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये इसकी फ्लैश है, यहाँ पर ये जो ना ये इसकी फ्लैश है। तो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।